पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं बेसिक पेपर के लिए कि बेसिक जो मैथ्स है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर इसे डिवाइड कर रहा हूँ दो तरीके से कि जो बेसिक पेपर है उसमें भी जो एक बहुत सिंपलर पार्ट आएगा और एक जो पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल, हम दो कैटेगरीज अगर इनकी बना ले तो हल्के से जो ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे या थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे। वैसे तो पूरा ही पेपर सिंपल रहने वाला है, लेकिन मैं दो कैटेगरीज बना रहा हूँ जिनमें एक तो होगी जो फॉर्मूला बेस्ड होगी और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे। दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर आप एक एवरेज क्वेश्चन मान सकते हैं और एक थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या ट्विस्टेड क्वेश्चन आप उसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर से हम स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। मैं दोनों तरह से क्वेश्चन बताऊंगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको पूरे 80 मार्क्स के पेपर के लिए जाना है या आप सिर्फ पास होना चाहते हैं या आप एक एवरेज मार्किंग चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां से क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो बेसिक पेपर है आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके जाएं विदाउट ऑप्शनल एक्सरसाइज तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 80 मार्क्स के लिए जा रहे हैं तो आपको शायद ऑप्शनल एक्सरसाइजेस को करके जाना चाहिए, वहां से आपको एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप 100% मार्क्स के लिए नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि 60 to 70 मार्क्स 80 में से आपके लिए सफिशियंट है, तो बिल्कुल आप फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज को छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये एक सिंपल क्वेश्चन जो यूक्लिड्स के ऊपर आपको मिलेगा, इसमें आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो सकती है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, अगर यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम बनता है तो इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। यहाँ पर हो सकता है वैल्यूज को चेंज कर दिया जाए लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं ये देखता हूँ कि इसमें से कोई टफ क्वेश्चन बेसिक पेपर में आ सकता है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर करके जाएं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा इस चैप्टर से आता है जो थोड़ा ट्विस्टेड हो सकता है तो वहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है, यहाँ पर 4 की पावर n है तो यहाँ पे 6 की पावर n, 10 की पावर n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज होके आ सकता है, तो एक यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल बोल दिया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपका यहाँ से एक टफ क्वेश्चन बनेगा तो ही ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम के अंदर या किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है, अगर एक टफ क्वेश्चन इस चैप्टर से इन्हें देना होगा। तो अगर आप टफ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 7 को करके जाएं, अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस आप करके जा सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद √2 इज इरेशनल आपको प्रूव करना है, यहाँ पर आपको √2 की जगह √3 भी मिल सकता है, √5 भी मिल सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको एक करके जाना है। 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 में से आप कोई भी पार्ट कर लीजिए, कहने का मतलब यह है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें आपको क्यू के ऊपर, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो क्यू के ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि 2 की और 5 की पावर्स में जो क्यू है वो होना चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक आ सकता है। तो इसमें आप 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से आप कोई भी 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इसी से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 से हमें क्या क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करके जाना है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आपके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं हमें ग्राफ से, तो ये आपको करके जाना है। सेकेंड एक्सरसाइज में आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट और 5th पार्ट ये आप जरूर करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट और 5th पार्ट। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी 2 पार्ट इसके कर लीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इसका 2nd पार्ट और 3rd पार्ट, दोनों 2nd पार्ट और 3rd पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से, तो आप ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से करके जाएं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप मान के चल सकते हैं कि 99% ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो आपको ये करना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल्स हैं आप सारे करके जाएं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ही आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को देखें, वरना आप सारे एग्जाम्पल्स करके जाइए, आप आधे से ज़्यादा पेपर आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 में यहाँ पर देखिए, अगर एक टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा तो ये क्वेश्चन हो सकता है, और इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर +√2 और -√2 दिया हुआ है, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं, वरना यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 आप करके जाइए, और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी चॉइस है, अगर आप थोड़ा सा टफ पार्ट देखना चाहते हैं तो करके जाएं वरना छोड़ दें।
तो देखिए चैप्टर नंबर जो 3 है उसके अंदर सबसे पहले तो आप इस टेबल पे आ जाइए। ये है टेबल 3.4 जो आपको एनसीईआरटी के अंदर दी होगी। अगर आप इस टेबल को कर लेते हैं तो यहां से आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम हो ही जाता है, जो कि यहां पर है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के ऊपर। इनके यहां पर एग्जांपल दिए हुए हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये 3 क्वेश्चन आप कर लें जहां से आपको ये बताना है कि किस तरह के सॉल्यूशन है। इसमें से आप आराम से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और इसके ऊपर मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन बता भी देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपसे ग्राफिकली भी पूछ सकता है, और इस तरह से आप यहाँ से देखिए कोफिशियंट्स के थ्रू भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके यहाँ पर उससे कवर हो जाते हैं। जब आप उस टेबल को कर लेते हैं तो आपका ये पार्ट यहाँ पर कवर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें से कोई भी एक या दो पार्ट आप कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ से भी कोई एक पार्ट आप कर लीजिए। मैं अगर करने के लिए बोलूंगा तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट में बोलूंगा। उसके बाद अगर टफ क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मैं देना चाहूँ यहाँ से, तो मैं एरिया निकलवा सकता हूँ शेडेड पार्ट का, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 करके जा सकते हैं इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है इस एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2। जरूरी नहीं है कि वैल्यूज यही आए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है। उसके बाद अगर हम वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आए तो यहाँ पर देखिए वर्ड प्रॉब्लम में 3rd का 2nd पार्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो यहाँ पर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट इसके साथ है, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप ये इसका 4th पार्ट भी आप जरूर करके जाएं। यहाँ पर ये टैक्सी चार्जेज इस तरह से हमें फिक्स चार्ज दिया होता है, इसी तरह का आपको एक लाइब्रेरी का क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पर एक फिक्स चार्ज हमें दिया हुआ था। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना है। देखिए ये जो 5th पार्ट है इसमें यहाँ पर जो लाइब्रेरी का क्वेश्चन मैंने बताया था, तो आप इसे भी जरूर करके जाएं। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर दिया हुआ है जैसे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हो सकता है आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ना देकर वो यहाँ पर नो सॉल्यूशन दे दे या यूनिक सॉल्यूशन दे दे, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल करके जाना है एग्जाम्पल नंबर 16 को। और जैसा एग्जाम्पल नंबर 16 है बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एग्जाम्पल नंबर 16 के साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से करना है, तो आप ये लास्ट के 3 यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, आप इन्हें कर सकते हैं। मैं बेसिक पेपर में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए शायद मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं आएगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, लेकिन अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पर यह है एग्जाम्पल नंबर 19, इसे आप करके जाएं अगर आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करना चाहते हैं तो। आप अगर छोड़ के जाना चाहें तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चांस नहीं लेना चाहते तो आप ये एग्जाम्पल करिए। और साथ में हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है जो इसका 1st पार्ट है, आप इसे भी करके जाएं। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत आसान है प्रेडिक्ट करना क्या चीजें आएंगी। सबसे पहला तो हमें एक करना है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप कोई भी एक क्वेश्चन ट्राई कर लें। बेसिकली यहाँ पर यह है कि हमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप यहाँ से सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इसे अगर बना पा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेगा जो हमारा बेसिक पेपर होगा उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है, तो हमें नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर भी क्वेश्चन करके जाना है। देखिए यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल है, ये वाला आप जरूर करके जाएं। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनकी इक्वेशन बनाकर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, पेज नंबर 84, इसे करके जाना है आपको। उसके बाद देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 14, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों पार्ट आपको करके जाने हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर ही मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए आप उसे भी कर सकते हैं। हो सकता है सेम इसी तरह का क्वेश्चन मिल जाए, ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज चेंज होने के बाद क्वेश्चन मिल जाए। देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो इसे भी हम प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने एग्जाम्पल किया है इसे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। अगर आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। देखिए उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स आते हैं जहाँ पर हमें डी कैलकुलेट करना होता है। प्लस में डी आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उसके ऊपर हम बता पाते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको ये बिल्कुल करके जाना है। और मैं यहाँ पर एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए इससे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जब आप किसी वेरिएबल
की वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो सब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, और क्वेश्चन नंबर वन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टू मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसमें से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की, लेकिन आप दोनों करके जाएँ, क्वेश्चन नंबर वन भी और क्वेश्चन नंबर टू भी। देखिए एपी के अंदर अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल्स कर जाएँ तो सफिशियंट है, उसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं, हमें वो भी कर लेने हैं जिससे कि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपने आप करेंगे, जैसे क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज के अंदर बता रहा हूँ, कम से कम वैसे एग्जाम्पल तो आप ज़रूर कर ही लें। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें से आप एक दो पार्ट ज़रूर ट्राई कर लें, जैसे आप ये सेकेंड पार्ट देख लें और एक यहाँ पर ये देख लें, उसके बाद ये लास्ट पार्ट है जहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो जीरो आ रही है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप देख लें। तो यहाँ से कोई भी दो तीन पार्ट आप इस क्वेश्चन में से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि जब तीन नंबर अगर एपी में है तो क्या उनके बीच में रिलेशनशिप बनती है, आपने क्वेश्चन इस तरह के करे होंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक पेपर के लिए और आपको ये बिल्कुल करके जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर और क्वेश्चन नंबर 14 पर, ये आपको ज़रूर करने हैं। उसके बाद जो हम nth टर्म एंड से निकालते हैं, लास्ट से जब निकाली जाती है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट से हम कोई nth टर्म निकालते हैं, तो ये आपको करके जाना है। उसके बाद अगर हमें जनरल टर्म दी हुई है और वहाँ से हमें कोई टर्म निकालनी है या सम निकालना है तो हमें उस तरह के क्वेश्चन भी करने हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, nth टर्म की जनरल फॉर्म दी हुई है और आपसे यहाँ पे सम निकलवा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये nth जो सम है, सम ऑफ n टर्म्स है, उसका हमें जनरल फॉर्म दिया हुआ है। तो जब भी हमें जनरल फॉर्म दिया हुआ है वहाँ से हमसे सम निकलवाए या nth टर्म निकलवाए, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है जहाँ पर हमें कुछ सम दिया हुआ है और उसके बाद हमें हर प्राइस की 20 रुपीज़ हम कम करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे प्राइस दिए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन जो आपको बताना चाहता हूँ वो है ऑप्शनल से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे आपसे वो ये पूछ सकता है कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कौन सी आएगी, मतलब आपको ये बताना है, ये आपसे ज़ीरो भी पूछ सकता है कि ज़ीरो कौन सी टर्म होगी, नेगेटिव टर्म कौन सी होगी ये भी पूछ सकता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या दो टर्म्स का सम, जो जैसे अगर मैं ये बोलूं कि 10 टर्म है और 11 टर्म है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 10 टर्म का सम निकाला है मैंने और जो 11 टर्म का सम निकाला है वो दोनों सेम है, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, क्योंकि अगर उनमें से एक टर्म ज़ीरो हो जाती है तो 10 टर्म है उसका जो सम है प्लस 11वीं टर्म अगर ज़ीरो है तो उसका भी सम क्या आएगा, 11 टर्म का सम भी बराबर आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एक देखकर जरूर जाना है और ये दोनों के अंदर आ सकता है, बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर दोनों में से। तो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल में पहले तो आपको थ्योरम करनी है, इसमें बीपीटी आ जाती है, इसमें आपके पास जो रेशो है, एरियाज का रेशो है सिमिलर ट्रायंगल्स का, वो थ्योरम आ जाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम जो हमारे पास है, पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है, ये आपको इसमें थ्योरम्स बहुत अच्छे से करके जानी है, आप इनके कन्वर्स भी कर लें और थ्योरम्स भी कर लें। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात आती है तो आप बिल्कुल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, जो थ्योरम का डायरेक्ट यूज़ है, आपको वो ज़रूर करके जाने हैं। आप इस चैप्टर में चाहें तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, सिंपल थ्योरम्स करें और थ्योरम्स के बाद आप उन थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लें। जैसे अगर हम इस एक्सरसाइज में देखें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आएगी और थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं, बीपीटी और उसके कन्वर्स के ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन या थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको थोड़ी सी मेहनत लगे और थोड़ा सा एप्लीकेशन लगे, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें छोड़कर भी जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, अगर आप पूरे 80 मार्क्स का पेपर आप नहीं ट्राई कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं इसमें, तो आप इन्हें छोड़कर
जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन, मैं एग्जाम्पल नंबर 7 एक जो है मुझे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगता है, अगर थोड़ा सा भी टिपिकल क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर दिया जाएगा तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बनता है। बेसिक क्वेश्चन पेपर में वैसे मैं जो जहां तक मैं गैस कर पा रहा हूँ वो यही है कि पेपर बहुत सिंपल होगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे किसी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन के अंदर। अगर टफ क्वेश्चन होते भी हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा टफ नहीं मिलेंगे आपको। ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का पेपर, 65 to 70 मार्क्स का पेपर बहुत आसान मिलने वाला है, जो फॉर्मूला बेस्ड होगा या बहुत हल्का फुल्का एप्लीकेशन आपसे मांगेगा। उसके बाद अगेन हम यहाँ पर 6.3 में आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सारे पार्ट्स आपको इसके अंदर करने हैं। ये जो थ्योरम है, जो एरियाज का रेशियो है सिमिलर ट्राइंगल्स का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एज ए थ्योरम भी ये इंपॉर्टेंट है, और एज ए क्वेश्चन इसके ऊपर अगर आता है तो भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन है। जैसे यहाँ पर मैं अगर कहूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन, जो डायरेक्टली आपको थ्योरम के ऊपर एप्लीकेशन एक दे रहा है, थ्योरम के ऊपर आपको क्वेश्चन दे रहा है। अगर आप इसके ऊपर भी टफ क्वेश्चन यहाँ पर देखना चाहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा एप्लीकेशन, ज्यादा आपका ज्यादा आपका थोड़ा सा काम मांगता है ये क्वेश्चन, तो 6 और 7। और एक जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनके एरिया बराबर हैं तो हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक पेपर के लिए एक आइडियल क्वेश्चन इसे हम मान सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल करके जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमेशा आप इसे करके जाइए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस। उसके बाद सेम वही पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर भी, जो डायरेक्ट आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिंपल वैल्यूज रखनी है, इसमें भी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर होगा वो आपको करके जाना है। यहाँ पर देखिए 6.5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप इसे करके जाइए। इसमें भी अगर आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखना है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जरूर करके जाएं, लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हैं टफ क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बेसिक पेपर के लिए आइडियल क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप अगर पेपर को जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कैसे ये डायरेक्टली सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के यूज से ही वैल्यू इसकी निकल जाएगी। तो बिल्कुल आइडियल क्वेश्चन है बेसिक पेपर की और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल सबको करके जाना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनके ऊपर क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से ना बता के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज से किस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल आपको सारे करने हैं। अगर आप एग्जाम्पल सारे करेंगे तो आपको शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में से बता रहा हूँ। 7.1 से फर्स्ट का थर्ड आपको करके जाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है और आपको ये करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको कोलिनियर बताना है, आप चाहें तो इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से ना करके एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कि यहाँ पर हमें ऑन एक्स एक्सिस हमें बता दिया, तो एक्स एक्सिस पे हमें पता है वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, एक्स कॉमा 0 हो जाता है, और यहाँ पर हमें इन्हें इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, तो ये एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर हल्का सा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी हो सकता है। सेक्शन फॉर्मूला सिंपल, आपको रेशियो यहाँ पर गिवन होगा या आपको रेशियो निकालना होगा, तो यहाँ पर भी मैं एक्सरसाइज में से बता देता हूँ, एग्जाम्पल में से नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी आप एक्सरसाइज में से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 तो जरूर करके जाएं और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप जरूर करके जाएं। और मैं आपको बता देता हूँ नीचे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर देखें, 5 क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, तो जहां पर भी हल्की सी भी ट्रिक अगर क्वेश्चन में लग रही है तो आपको वो जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू जो होगी यहाँ पर एक्स कॉमा 0 होगी, तो आपको वाई की वैल्यू 0 यहाँ पर गिवन है, जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जब कट करेगा कोई भी लाइन अगर कट करेगी एक्स एक्सिस पे, तो वहां पर वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7.3 में आपको एक तो करना है क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई भी एक पार्ट आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा करना है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है आपको पॉइंट को कोलिनियर बताने के बाद, तो आपको ये जरूर करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, और अगर आप देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन या थोड़ा सा जो दिमाग चलवाने वाला क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है। उसके बाद आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्टली आप जो क्वेश्चन लिखेंगे वो वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको 10 की फॉर्म में मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे देखिए इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन, ये फोर्थ पार्ट आप कर लें चाहे। उसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसा अभी हमने एग्जांपल के अंदर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर आ जाए तो देखिए यहां पर एग्जांपल नंबर 11 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल करके जाना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं। अगर आइडेंटिटीज आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप उसे छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी के एटलीस्ट क्वेश्चन सारे करके जाने चाहिए आइडेंटिटीज के, क्योंकि बेसिक पेपर में आपको शायद एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन मिल जाएगा आइडेंटिटीज का। लेकिन स्टिल अगर आप ये पूछते हैं कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन, तो मैं यहाँ से बोलूंगा 5th का सेकेंड पार्ट आइडेंटिटीज के लिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं बोलूंगा 6th पार्ट जो कि मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस हैं, और एक क्वेश्चन होगा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसका 10th पार्ट। तो ये तो आपको बिल्कुल करने हैं, लेकिन अगर आप आइडेंटिटीज कर ही रहे हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज इसकी कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो साइन और कॉस में आप चेंज कर दें क्वेश्चन को, तो आपको शायद कुछ स्टेप मार्किंग की वजह से मार्क्स मिल जाएंगे, और आप अगर थोड़ा सॉल्व करके देखें अगर आप साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं तो आप काफी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए सम एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल करके जाएं क्वेश्चन नंबर 2 को। उसके बाद एक ये क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाना है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन यहाँ से देखना चाहें कि जो हल्का सा आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, तो वो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। लेकिन जो एक आइडियल क्वेश्चन जो बेसिक पेपर के लिए बनता है, जो अगर हल्का सा आप कहें कि टफ भी हो सकता है और ईजी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो वो आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर मेरी फर्स्ट चॉइस होगी इस बेसिक पेपर में देने के लिए। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा टफ जाएंगे, तो 15 और 16 हो सकते हैं, और इससे हल्का अगर क्वेश्चन आपको जाना है तो वो मैंने आपको भी बताए हैं इससे पहले। सर्कल्स बहुत सिंपल और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहले आपको थ्योरम करनी है, सबसे पहले आपको ये जो थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये आपको करके जानी है, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल इसे आप करके जाइए, और चांसेस हैं इसके आने के। अगर यहाँ से थ्योरम आती है तो यही थ्योरम एक ऐसी है जो कि आपको मिल सकती है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पे आ जाएं तो क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो सेकेंड एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको यहाँ पे इसके करके जाने हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ से और क्वेश्चंस आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको जरूर करके जाने चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बन जाते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो टफ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर यहाँ पर दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया जा सकता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करके जाने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जब आप लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं किसी रेशियो में, उसके बाद आप ट्राइंगल को, तो ट्राइंगल के लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बोलूंगा करने के लिए कि क्वेश्चन नंबर आप 4 करके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन करें इसका, और अगर यहाँ पर टफ क्वेश्चन थोड़ा सा आता है तो वो फिर हमारे बनते हैं जहाँ पर हम विदाउट सेंटर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे होते हैं सर्कल को, और टेंजेंट्स हमें यहाँ पर पेयर ऑफ टेंजेंट हमें ड्रॉ करके दिखाना है, और एक ये क्वेश्चन नंबर 6। तो ये दो क्वेश्चन आप करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टफ क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे करना है, तो आप 6 और 7 करके जाएं, वरना बाकी क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। 12 यहाँ पर थोड़ा सा गैस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा आपके पास कि या तो एरिया ऑफ सेक्टर वहां पर लगेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट लगेगा, या आप किसी दो तीन एरियाज को प्लस माइनस करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ये दोनों तो आपको
करने ही करने हैं, इनमें से आपको शायद एक क्वेश्चन मिल भी जाए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपका एप्लीकेशन मांगता है वो, यहाँ पर थोड़े से आपको एप्लीकेशन की जरूरत है इसकी, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एक आइडियल क्वेश्चन भी है बेसिक पेपर के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेज नंबर 228 पे आपको एक एग्जांपल मिलेगा, एग्जांपल नंबर 2, ये आपको जरूर करके जाना है। यहाँ पर आ जाइए एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2, स्पेशली यहाँ पर जो क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जब भी आप सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं उसमें क्वाड्रेंट आने के चांसेस काफी ज्यादा है, जहाँ पे आपको एंगल 90 डिग्री रखना है। उसके बाद एक ये क्लॉक का क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा तो आपसे वो क्लॉक का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके जाना है। उसके बाद जब मिक्स्ड फिगर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे स्क्वायर से आपको 4 सर्कल माइनस करने हैं। और उसके बाद देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये डायमीटर है तो यहाँ से जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट जो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़े हैं वो यूज हो रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 CBSE में भी पूछा जा चुका है और इस बार भी हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको करके जाना है। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 14 पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको करके जाना है, बड़े एक सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस करना है, एक में रेडियस 21 एक में रेडियस 7, एंगल दोनों में 30 डिग्री रखा जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी करके जा सकते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आप सारे एग्जांपल करके चले जाएं, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत हैं। क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन कैलकुलेशंस बहुत हैं, तो आप यहां पर एग्जांपल जरूर कर लें, सारे एग्जांपल कर लें। और जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन देखिए आप, एग्जांपल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे करके जा सकते हैं। बाकी मैं आपको जो क्वेश्चंस बता देता हूँ वो आपको एक्सरसाइज के अंदर से बता देता हूँ, कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 आप ज़रूर करके जाएं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 13.2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके जाना है, और अगर थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मिल सकता है, जहाँ पर आपको डेंसिटी यहाँ पर हमें दी हुई है एक तरीके से, और हमें ये बताया गया है कि 1 cm³ के लिए 8 ग्राम मास हमें मिलता है आयरन का, तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करके जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है, और अगर यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा दिमाग आपका लगवाएगा तो वो क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन भी करने हैं। उसके बाद फर्स्ट टर्म के अंदर आप एग्जांपल कर लें या कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लें, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो इसके अंदर नहीं शायद पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका हो सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और या फिर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि एक शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में आ जाएं तो आप यहाँ पर करके जाइए एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, इनमें से कोई एक बनेगा, और उसके बाद आपको फॉर्मूले इसके सारे कर लेने हैं। मैं आपको एक्सरसाइज से यहाँ से क्वेश्चन बता देता हूँ, आप एग्जाम्पल अगर करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम्पल आपको सारे कंप्लीट करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है उसके चांसेस कम है, अगर इस क्वेश्चन से एक टफ क्वेश्चन उन्हें बनाना हो तो ही वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देंगे, तभी आप क्वेश्चन नंबर 3 को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है सिंपल तो आपसे फिर वो डायरेक्टली कोई भी, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 कोई भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक टफ क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप करके जाइए, वरना आप क्वेश्चन नंबर 1 या 2 करके जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जिसमें आपको मोड निकालना है। उसके बाद आप ओजिव चाहें तो ओजिव छोड़ सकते हैं, और मीडियन का आप सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ओजिव पढ़ा है तो आप ओजिव बिल्कुल करके जाइए, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं बेसिक पेपर में, लेकिन 100%
आप उसको ये नहीं मान सकते कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपको चॉइस में उसके साथ कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो इसलिए आप 50-50 चांसेस उसके अंदर ले सकते हैं ओजीव के अंदर। लेकिन आपको इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास मीडियन का है वो आपको करके जाना है। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसे आप जरूर करके जाएं, हो सकता है इसमें आपको एक नंबर में क्वेश्चन मिल जाए। तो यहाँ पर भी मैं आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूँ, जिसके अंदर आपको मीन मीडियन मोड तीनों निकालने हैं। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपके तैयार हो जाएंगे, और यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि इस रिलेशनशिप से हमें क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल कर लें तो ही आपके लिए सफिशियंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो एग्जाम्पल से ही मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाहूँ तो एक्सरसाइज में से हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप ये इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सभी को ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल सारे करके जाएं, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करके जाएं। लेकिन अगर आपने उतनी प्रिपरेशन नहीं की है और आप नहीं करना चाहते हैं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज आप ना करें, तो बिल्कुल आप छोड़ के जा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद एक या दो ही क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे अगर बेसिक पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए तो इसलिए आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एग्जाम्पल आपको सारे करके जाने हैं, वहीं पर आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे वैल्यूज को चेंज कर करके। उसके बाद आप फोकस करिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर, अगर आप इतना कर लेते हैं उसके बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पर। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है तो आप सबसे पहले फोकस करिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पर, और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आप उन्हें करके चले जा सकते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, फॉर्मूले जितने भी हैं आपको फॉर्मूले सारे रट लेने हैं। फॉर्मूला आपका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फॉर्मूला याद ना रहे या फॉर्मूला ना कर पाए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे कि आप सीधे फॉर्मूला में वैल्यू रखें और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको फॉर्मूले सारे करने हैं, थियोरम्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट, और कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।